अगर आपकी उम्र 16 से 25 वर्ष है और आप किसी को पसंद करते हैं और वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो ये मेरी बातें ध्यान से सुने, ये आपके बहुत काम आने वाली है। अगर इस उम्र में बहुत से लड़के लड़कियां किसी दूसरे को पाने के लिए रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, अपनी कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, अपनी पढ़ाई सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, और वो भी ऐसे इंसान के पीछे जो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि आप हो उसके साथ या ना हो, जिसे आपके मतलब ही नहीं है। कुछ लोग इसलिए दुखी हैं कि मुझे उससे बहुत प्यार है, लेकिन सामने वाले मेरे प्यार को समझता ही नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे यह है, यदि आप खुद को 10 में से 10 नंबर देते हो, तो आप 10 में से 5 नंबर वाले को क्यों पसंद करोगे? थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हर किसी की अपनी चॉइस होती है कि मुझे इस तरह का कोई उदाहरण चाहिए। वो करियर को लेकर, ऐसा बंदा जो करियर को लेकर सीरियस हो, या अच्छा करियर हो, लुक अच्छा हो, जो मेरे साथ हो, तो हम दोनों 10 में से 10 नंबर वाले कपल लेंगे। अब बताओ, क्यों पसंद करे कोई आपको? आपने अभी तक कुछ लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की है? आपने अभी तक कुछ बड़ा अचीव किया है? आप अपनी लाइफ में एक भी चीज को लेकर सीरियस हैं? क्या आपको लगता है सामने वाले को आप में कुछ वैल्यू नजर आती है? सीधी सी बात है, आपको बुरा तो लगेगा यदि आपने लाइफ में अभी तक कोई वैल्यू ऐड नहीं की, तो किसी के सामने झुककर अपनी बेइज्जती मत करवाओ, क्योंकि कितना भी कोशिश कर लीजिए, यदि सामने वाले को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कुछ नहीं दिखेगा, तो वो आपके साथ रिलेशन में रहना ही नहीं चाहेगा। वो पर्सन आपसे बात भी आपके टाइम के पास के लिए करेगा। अगर 16 से 25 उम्र में हो और किसी व्यक्ति के पीछे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, जिसे आपकी कद्र भी नहीं है, तो अभी के अभी उससे दूर हो जाओ। पहले अपना करियर बना लो। याद रखो, जिस दिन आपने करियर बना लेना, उस दिन आपके पास ऑप्शन रहेगा। आपको कोई रिजेक्ट करने वाले से पहले 100 बार सोचेगा, और आपके पास चॉइस होगा कि मैं इसके साथ रिलेशन में रहूं। फिर आपको कोई रिजेक्ट करेगा, तो आप भी उससे सीना तान कर कह पाओगे, मैंने अपनी लाइफ में इतना हासिल कर लिया है, जिसको मेरे साथ रहना है रहो, वरना पतली गली से निकल लो, अभी के अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे इसमें तुम्हारा ही घाटा है। 16 से 25 उम्र में अपना टाइम किसी के पीछे बर्बाद मत करो यार, करियर बना लो। पहले करियर बना लो, उसके बाद ही प्यार और रिलेशन में की ओर जाओ, क्योंकि उम्र में ध्यान बहुत भटकता है। इस उम्र में ध्यान बहुत भटकता है। अगर ये उम्र आप किसी व्यक्ति के पीछे बर्बाद कर दोगे, तो आपको कुछ सालों ना तो आपको वो व्यक्ति मिलेगा और ना ही करियर, और आपकी उम्र निकल जाएगी। इसलिए पहले इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लो कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहे। किसी के लिए रोना बंद करो और करियर बनाओ। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी कही बातें पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।